हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भगवत सिंह और मेरे साथ हैं मैं विजेंद्र पटेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, फिजिक्स का फिफ्थ गुरु नीति है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी पावर। जैसे आपने बोला था कि न्यूटन्स लॉ मोशन होता है, बेस होता है आपका, फॉर्मेशन करता है बेस का, कि अपन को डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, उसके एप्लीकेशन बाद में आते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये उससे थोड़ा सा एडवांस है, ये क्वेश्चनों को थोड़ा इजी कर लेता है। जो क्वेश्चन अपन 1D और 2D के अंदर और जो किए होते थे उन क्वेश्चनों को थोड़ा इजी कर लेता है। इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है, हर एक चैप्टर के अंदर इसका अपन यूज कर सकते हैं। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स, मतलब एक फोर्स लग रहा है जो पोजिशन डिपेंडेंट है, 7 - 2x + 3x², मतलब वो x के साथ वेरी कर रहा है। और जो मास है ब्लॉक का वो है 2 kg दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इसका x से 5 तक। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सर ये तो बहुत सिंपल से ही अपना जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसी से हो जाएगा, w = f.dl/dx। मैंने यहां पर dx इसलिए लिया क्योंकि x पर ही वेरी कर रहा है, इसलिए मैंने इसको dx लिख दिया। तो अपन इसको कर लेते हैं 7 - 2x + 3x² dx (0 to 5). तो ये सर आ जाएगा 7x - x² - x² + x³ इसकी लिमिट है 0 to 5 ये हो गया 35 - 25 इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 135 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, जो नेक्स्ट पर जाएंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने लोग। ये क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास m वाज स्लोली हर्ल्ड अप द हिल एज शोन इन द फिगर बाय अ फोर्स f व्हिच एट ईच पॉइंट वाज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द ट्रैजेक्टरी। फाइंड द वर्क डन परफॉर्म बाय दिस फोर्स। इफ द हाइट ऑफ द हिल इज h, द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज l एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। सो क्वेश्चन बोलते हैं ये है कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से मालिक जा रहा है, ठीक है, इसको यहां से यहां ले जा रहा है, मगर हमारा फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन तो वेरी करता रहेगा क्योंकि एंगल वेरी कर रहा है, ये जो सरफेस स्टेप्स है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रहेगा। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, इसको धीरे-धीरे लेकर जा रहा है, धीरे-धीरे लेकर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी इसमें। काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। और एक और इसका जो पार्ट है वो नहीं आएगा, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अपन को क्या कि इसमें ये तो पता चल गया कि अपन को W2 फाइंड करना है। तो पहली बात अपन करेंगे वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर नॉर्मल लगेगा, वो लगेगा m g cos थीटा। फ्रिक्शन डेफिनेटली इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिशन लगेगा म्यू m g cos थीटा। उसमें एक बात बोली है कि स्लोली लेकर जा रहे हैं, उसका सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोल ये है कि यदि फास्ट जा रहा होता, इसके पास वेलोसिटी होती, तो अभी तो अपन इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं सिर्फ m g cos थीटा। यदि वेलोसिटी होती तो इधर mv स्क्वायर और भी लगा और लग जाता है, ठीक है। तो इसको ये नहीं लगेगा क्योंकि अपन स्लोली लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ये आ गया फ्रिक्शन। अब हमको वर्क डन का फ्रिक्शन फाइंड करना है ds के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है तो मैंने थीटा ड्रॉ कर दिया। लेट इसको मैं मान लेता हूं dx, dl मान लेते हैं, ठीक है, मान लो, चलो ठीक है, dy एंड दैट इज योर ds। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर जाने के जो वर्क डन आएगा वो आएगा -μmg cos θ (dS) का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां से अपन देखते हैं तो कॉन्स्टेंट वो बाहर ले लेते हैं, म्यू एम जी, यहां पर आ गया ds cos θ। और इस डायग्राम अपन देखते हैं तो ds cos θ और dx के बराबर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन, अच्छा इसमें दो वेरिएबल है ds और थीटा। हां दो वेरिएबल है तो दोनों को अपन एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये कितना बन गया हमारे पास dx। अब यदि सर अपन ढंग से देखें
dx का मतलब है कि मैंने ये जो पाथ लिया था, ये जो पाथ लिया था इसका ये प्रोजेक्शन है, ओरिजिनल प्रोजेक्शन। यदि मैं ये ds लूंगा तो इसका ये वाला प्रोजेक्शन आ जाएगा। अच्छा, अगर आप ये टोटल प्रोजेक्शन लोगे तो ये टोटल बेस आ जाएगा। तो यदि इसको मैं पूरा करता हूं तो ये आ जाएगा माइनस म्यू एम जी एल एल। और बेसिकली ये जो एल होता है वो ना डिस्टेंस है ना डिस्प्लेसमेंट, ये जो होता है प्रोजेक्शन ऑफ द पाथ ऑन द ओरिजिनल सरफेस जितना ट्रैवल करता है। तो अपन के पास वर्क डन का फ्रिक्शन भी आ गया। अब अपन सीधा ये डब्ल्यू जी यूज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सीधे। तो वर्क डन बाय एफ माइनस म्यू एम जी एल माइनस एम जी एच इज इक्वल टू जीरो। तो अपने पास ये वर्क डन बाय एफ आ जाएगा, म्यू एम जी एल प्लस एम जी एच। ओके ठीक है, ये अपन याद कर लेते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला ही चाहिए सर, इसका ऑप्शन राइट है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बोला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय यू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड डिस्कस वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो एक बार सर इसको हमें क्या करना है, स्टेबल अनस्टेबल सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले फोर्स लिख लेते हैं। ऑप्शन हो सकता है हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। हाँ, दोनों में से एक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टेबल की। हाँ, तो स्टेबल पे क्या होगा, अगर अपने पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगी, मिनिमम होगी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या फिर वहां पे अपने नेगेटिव आएगी। तो इसको अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हाँ सर, दो बार एक बार तो डिफरेंशिएट कर रखा है, डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं क्योंकि आपने मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर ली है, तो फिर अपन ये चेक करना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं, आ गया ये माइनस माइनस टू ए टू ए, इसका मतलब ये तो मुझे नेगेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, हर एक एक्स के लिए नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही एक्स तो मिला था। हाँ, जहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल चेक करना था, तो अपन को पता चल गया कि यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसलिए वो क्या रहेगा, स्टेबल स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, सेकंड हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला फोर, ए फोर्स एक्ट ऑन ए 30 ग्राम पार्टिकल इन सच ए वे दैट पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। तो ये हमें दे रखा है सर, एक्स दे रखा है 3 t - 4 t + 2 3 डिवाइड बाय
3 divided by 200. इसको ओपन कर लेते हैं, 19 plus 3 और 19 minus 3 minus 3 3 तो 3 by 200 20 22 into 16. अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे ना सर, हाँ सर, तो ये आंसर आएगा अपना 5. आपको तो ये फोर्स तो कांस्टेंट ही दे दिया इस बार. हाँ, इसमें फोर्स कांस्टेंट है. ठीक, ये फोर्स हमें कांस्टेंट दे दिया सर. हाँ, तो मतलब हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ऐसे लगेगा. हाँ, तो और जो अपने लोग वर्क का फार्मूला लिखते हैं, F इक्वल टू लिखते हैं W इक्वल टू F डॉट ds, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. हाँ, तो रिजल्टेंट W अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये हमारे पास ds आ जाएगा सीधे. हाँ, ठीक है. तो अब फोर्स तो हमेशा ऐसे लगेगा. हाँ, तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये तो एंगल हमारे पास 45 हो गई क्योंकि ये आ रहा है आ रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 हो गया. तो ये हमें मिल गया, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये अंडर रूट √2r. आप ये बोलना चाह रहे हो कि f √2r √2r into cos जो 45 है, cos 45 दैट √2, तो ये हो गया fr आ गया. अच्छा, इसके मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं सर इसके अंदर कि ये कांस्टेंट फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ए से बी गया तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r हो गया, तो f इनटू r अपन ऐसे भी कर जाएगा. तो ठीक है सर, दोनों आ रहा है, पहला आंसर हो गया अपना, पहला आंसर हो गया. नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी एंड ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी. ये तो है 2 केजी का जो इसके ऊपर रखा हुआ वो, और ये है 10 केजी. 10 केजी का दिया है. हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन प्लेन एंड प्लेन. देयर इज ए नो फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन, ये जो है. हां, और ये इन दोनों के बीच में नहीं है. ठीक है, एंड प्लेन इज 0.5. इसमें इसमें कुछ करेक्शन है, ये जो है हमारा यहां पे, ये जो सर है ना, ये यहां पे ये म्यू दे रखा है, जो 2 केजी ब्लॉक है इस पर फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया और किसी पर नहीं पूछा है. तो सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं कि इसमें फ्रिक्शन लगेगा कितना. अपने जो न्यूटन्स लॉ मोशन ऑफ फ्रिक्शन का जो चैप्टर किया था उसमें मैंने एक तरीका बताया था कि फोर्स अपन को फाइंड कैसे करना है. तो सबसे पहले तो अपन एफ मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं. इनकी एफ मैक्सिमम आएगा 0.5 into 22. ये अपन देखो सर डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि अपन एनएलएम के अंदर ये पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो ये आएगा 10 न्यूटन. 10 न्यूटन आ गया. अब अपन ने 2 केजी जो ब्लॉक है जिस पर अपन को फाइंड करना है, ये फ्रिक्शन लगेगा आगे और ये जो है 60 लगा हुआ है इसमें फ्रिक्शन लगेगा पीछे. पीछे लगेगा. अपन ये मान लेते हैं दोनों साथ में चल रहे हैं. ठीक है, तो इक्वेशन सर यदि एज्यूम कर लेते हैं मूविंग टुगेदर, तो F इज इक्वल टू हो गया 2a और 60 माइनस F इज इक्वल हो गया 10a. दोनों को डिवाइड किया, 60 माइनस F डिवाइड बाय F डिवाइड कर रहे हैं अपन. ठीक है, आ गया 10 डिवाइड बाय 2 आ गया 5. तो अपने पास आ गया 60 इज इक्वल टू 6f. 6f आ गया. F की वैल्यू आ गई 10. इसका मतलब अभी तो फ्रिक्शन तो स्टैटिक का लिमिटिंग लग रहा है, लिमिटिंग के साथ में मूव करेंगे. तो मतलब ये साथ में मूव करेंगे, साथ में मूव करेंगे. तो और अब हमसे बोला प्रथम 2 सेकंड में घर्षण द्वारा लागू किया गया. तो इसका मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है क्या? डिस्प्लेसमेंट पता कर ले. हाँ, और फोर्स अपने पास आ ही गया है. फोर्स आ ही गया है, ये लग रहा है. तो अपन सिस्टम का एक्सीलरेशन फाइंड कर लेते हैं. एक्सीलरेशन फाइंड कर लेते हैं. एक्सीलरेशन सिस्टम हो गया 60 डिवाइड बाय 12. तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. डिस्प्लेसमेंट हाफ 80 स्क्वायर इनटू 5. सर कितना सेकंड बोला सर? 2 सेकंड. 2 सेकंड 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10. 10 आ गया. 10 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो सही है सर. अब ये डिस्प्लेसमेंट आ ही गया, फोर्स आपने निकाल ही लिया और फोर्स 10 आ ही रहा है. फोर्स 10 आ ही रहा है, मतलब वर्क डन आ गया 10 इनटू 10 इनटू 10 दैट इज 100. अब भगवत सर इसमें एक प्लस दिया एक माइनस दिया, ये क्योंकि अपने अभी फेवर डायग्राम बनाया था. हाँ, तो 2 केजी पे फोर्स आगे लगता है, आगे लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, इसलिए प्लस है, इसलिए हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. इन द शोन डायग्राम ऑफ मास ए इज m एंड दैट ऑफ बी इज 2m, ऑल सरफेस स्मूथ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट
एंड स्प्रिंग अनस्ट्रेच द मैक्सिमम एक्सटेंशन एक्सएम इन स्प्रिंग विल बी। सर मैक्सिमम एक्सटेंशन ऐसे कर लेते हैं जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी वही इसमें स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में। तो अपन सर एक सिस्टम अपन ये ऐसा कर लेते हैं इसको डब्ल्यू डी लगा लेते हैं सीधे सिस्टम पर, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि ये नीचे आया एक्स, ये एक्स आ गया, ये मैक्सिमम है सर। हाँ क्योंकि ये तो मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम का मतलब सर वहां आकर तो रुक जाएगा, मैक्सिमम पर इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी उसकी हो जाएगी सर जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब आप ये बोलोगे इसके अंदर भी एक्सटेंशन एक्स आएगा, इसके अंदर भी एक्सटेंशन एक्स आएगा, एक्स आएगा। तो मैं एक बार सर थ्योरी लिख लेता हूं। हां वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है सर, नहीं है तो उसको स्मूथ मान लेते हैं। एक मिनट, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है सर। अब जैसे आपने बोला कि फ्रिक्शन है ही नहीं तो इसको तो जीरो कर लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आ जाएगा सर मास 2 mg, तो ये आ जाएगा 2 mg x x, ठीक है। वर्क डन स्प्रिंग का फॉर्मूला सर माइनस हाफ हाफ के एच फाइनल, एक्स एक्स फाइनल तो है एक्स ही रहेगा और इनिशियल है जीरो जीरो और ये हो जाएगा हमारे पास जीरो जीरो। तो इसको मतलब इसको सॉल्व करना रह गया। हाँ तो इसको अपन मिटा देते हैं सर, मैं तो इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ सर ये एक्स है, ये इधर एक्स एक्स का कॉमन ले कट जाएगा, ये 2 इधर चले जाएगा 4 हो गया, तो ये एक्स आ रहा है 4 एम जी बाई के के, तो ये आंसर आ गया 4 था सर, ठीक है सर। आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ मास m, इसका भी मास m दे रखा है, इसका भी मास m दे रखा है, दोनों मास इक्वल दे रखा है। लिंक्ड टुगेदर बाय द कंप्रेस्ड वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, द क्यूब आर आल्सो कनेक्टेड बाय द थर्ड व्हिच इज बर्नड एट द सर्टेन मोमेंट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनिशियल कंप्रेशन x नॉट ऑफ द स्प्रिंग फॉर व्हिच द लोअर क्यूब बाउंस अप आफ्टर द थर्ड इज बर्न। तो सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहा है कि इस स्प्रिंग के अंदर इनिशियली कितना कंप्रेशन हो कि जैसे इस थर्ड को अपन बर्न करें जिससे उछल जाए तो नीचे वाला इसको कॉन्टेक्ट लूज कर जाए, लूज कर जाए, बाउंस कर जाए, ठीक है। तो उसका पर और इसका आप वो स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों सब दे रखे हैं, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में बना लेते हैं डायग्राम, सो दैट वी कैन अच्छे से एक्सप्लेन करवाएं। ये एक ट्यूब है जिसका मास एम है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी इसका मास एम है, एम है, और ये ग्राउंड पर रखा गया है। इसको जस्ट मैंने वो थर्ड जो किया कट उसके जस्ट उसी का डायग्राम है उस टाइम का ही, तो अपन लेट एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर कंप्रेशन है वो एक्स नॉट है, एक्स नॉट है, मतलब ये हुआ कि मतलब इतना तो ये कंप्रेस है, इतना तो कंप्रेस है, धागे से बंधा हुआ है। अपन लेट मान लेते हैं। अच्छा सर इसको यदि जंप कराना है तो सीधी सी बात है इस वाले पर फोर्स ऊपर की ओर लगना चाहिए, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तभी तो यहाँ नॉर्मल जीरो होगा, क्योंकि बाउंस कराना है इसका मतलब नॉर्मल जीरो करना है, इसका मतलब इसके ऊपर इसके अंदर स्प्रिंग अंदर एक्सटेंशन होना चाहिए, एक्सटेंशन आएगा। तो अपने ये रेफरेंस लिया है कि यहाँ इसका नेचुरल लेंथ है, तो लेट इस पॉइंट पर ये अपन मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जाकर उठना चालू हो जाएगा, ये जो है वो कॉन्टेक्ट लूज करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है वो इतना ऊपर गया, तो इस बार इतना इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज आ जाएगा। तो सर ये एम जी है यहाँ पर, ये एम जी है, ठीक है। तो यहाँ पर एन होगा, एक बार तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर एन होगा, एन होगा, जब कॉन्टेक्ट लूज करेगा एन क्या हो जाएगा जीरो, तो उस समय अपन लिखेंगे और अपन को सर जस्ट इतना ही कंप्रेस करना है कि एक बार कॉन्टेक्ट लूज कर जाए, ज्यादा वेलोसिटी अपन को चाहिए नहीं। अच्छा ये नहीं बोला कि मतलब कहां तक ऊपर जाए, हां उसको बस सिर्फ कॉन्टेक्ट लूज करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन वही डब्ल्यूटी यूज करते हैं, डब्ल्यूटी बहुत यूजफुल एक टूल है इसमें यूज करने के लिए। तो मैं सर कर लेता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर। अब वर्क डन ग्रेविटी, ग्रेविटी हो जाएगा माइनस एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स हो जाएगा एक्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल, एक्स फाइनल है एक्स, ठीक है, मतलब जितना भी कंप्रेशन है एक्सटेंशन जो फाइनल स्टेट के अंदर है। हाँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, क्योंकि ये इनिशियल कंप्रेशन था, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो इसको एक बार लिख लेते अपन, माइनस एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू के बाई टू एक्स प्लस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स नॉट। तो एक तो सर ये तो कट गया सीधे सीधे, ठीक है, कट गया, ये आ गया माइनस एम जी माइनस के बाई टू के बाई टू एक्स नॉट माइनस एक्स, वो माइनस को मैंने उससे अच्छा तो ये माइनस से माइनस गया,
तो अपने पास इस इक्वेशन को यदि मैं यूज करता हूं तो mg mg इज इक्वल टू हमसे x नॉट पूछा सर इसने तो अच्छा x नॉट पूछा क्या हाँ तो सर मैं भी x की वैल्यू रख लेते हैं अपने जो आपने निकाली हां तो क्या कहते हैं सर मैंने 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है और k को भी इधर निकाल जाते हैं k को इधर ले आते हैं ये आ गया x नॉट ठीक है माइनस x का वैल्यू कितना है mg भाई mg भाई k k या ये mg भाई k अब अपन सॉल्व करते हैं वहां से इसको तो अपने पास सर x नॉट आ रहा है 3 mg भाई k आ जाएगा आंसर आ जाएगा अपने पास 3 mg भाई की याद है तो मैं एक बार बैक लेकर जाता हूं 3 mg भाई के आप सेकंड ऑप्शन है सर सेकंड ऑप्शन ठीक है सर आगे बढ़े ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोला है ए कांस्टेंट पावर पी जे अप्लाई टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल व्हेन इट वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम आपने इस फोर्स को जो था इस फोर्स को आपने जो लिखा पहले एम ए लिख दिया और इसको वी रन दिया और आपने इस ए को कन्वर्ट किया वी इनटू डीवी एक्स ये सर अपने पास इसको ये फॉर्मूला है एम बी स्क्वायर डीवी वाई बाय डीएक्स डीएक्स और पी हमें कांस्टेंट दे रखा है पी कांस्टेंट दे रखा है तो पी को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे अच्छा तो इसका मतलब आप बोलोगे डीएक्स को मैं इधर लेकर आ जाऊं हां डीएक्स को इधर लेकर आ जाते इसको लेकर आ जाता हूं सर पी पी इनटू डीएक्स इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेना सर इंटीग्रेशन ही करना है इज इक्वल टू एम b स्क्वायर dv इंटीग्रेशन b1 से b2 b1 से b2 है v2 और ये 0 से d लेना है हमें 0 से d लेना है हां तो ये आ गया pd pd आ गया dd इज इक्वल टू m ये सर 1/3 v2 क्यूब लिख लीजिए सर v2 क्यूब माइनस v1 क्यूब v1 क्यूब डिवाइड बाय 3 3 हमसे d पूछा है इसमें तो मैं d पर तो सर या तो d पर सीधे से कंपैरिजन कर लेते हैं हां तो यहां से कंपैरिजन कर लेते हैं v2 क्यूब ये है ये आ गया v2 क्यूब m p 3p ज्यादा थर्ड वाला थर्ड आंसर हो गया अब बात कर अब ये बोला इन द सोन फिगर द ट्रॉली स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन a द मैक्सिमम एंगल डिफ्लेक्टेड बाय थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल विल बी तो अब सर इसमें हमसे पूछा गया है कि मतलब कि मैक्सिमम एंगल कितना डिफ्लेक्ट होगा और ये ऐसे ये बच्चे ये क्वेश्चन क्यों लिया है इसमें क्यों बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या करता है वो सीधे ऐसा क्वेश्चन उसने सूट ऑफ फोर्स से करा है तो वो क्या करता है इसको इक्विलिब्रियम में मान लेता है पहले यहां पे अच्छा अच्छा ठीक है और फिर उसको बैलेंस करता है तो उसके हिसाब से जो आंसर आता है वो सीधे tan इनवर्स / g लगा देता है अच्छा वो तो क्वेश्चन होता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन तो हां मगर इसे पूछा गया है मैक्सिमम तो क्या करेंगे हम लोग जो सूट ऑफ फोर्स है वो वर्क करेगा इसमें अच्छा तो जब सूट ऑफ फोर्स वर्क करेगा तो मैक्सिमम पे जाके इसकी जो वेलोसिटी होगी इधर वो जाके जीरो हो जाएगी अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि सूट ऑफ फोर्स भी काम करता है हां अच्छा ठीक है तो हम मान लेते हैं सर ये थीटा मैक्सिमम ये थीटा मैक्सिमम हो गया सूट ऑफ फोर्स कितना लगेगा एम ए लगेगा हां ये सर इधर तो अच्छा वो हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रहा है हां ऐसे जैसे अपोजिट लगेगा हां अब अपने लोग क्या करते हैं ये लेंथ तो एल पता ही हां और ये मैं लिख लेता हूं कि सूट ऑफ फोर्स ने यहां से कितना वर्क करा ये अच्छा तो मुझे वापस यहां पर भी डब्ल्यू टी लगाना है डब्ल्यू टी भी लगाना है वर्क डन बाय सूट ऑफ फोर्स हां प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0 ठीक है वर्क डन बाय सूट ऑफ फोर्स सर हो गया एम ए एम ए और ये एल दे रहेगा तो एल साइन थीटा एल साइन थीटा आ जाएगा L sin theta वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस माइनस का g और h जो अपने लोग लिखते हैं h होता है ये l माइनस l cos theta ये इतना बच्चों को याद रहता है l cos theta ये अपन एक बार कर भी चुके तो सर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो अपन ml तो काट देते सब जगह इसको काट देते ये आ गया a sin theta a sin theta इज इक्वल टू g g 1 माइनस cos theta cos theta सर ठीक है सर अब इसमें अपने लोगों को आंसर लेके आना है ना क्योंकि इस फॉर्म में कोई आंसर दिया नहीं है इसमें कोई दिया नहीं है लोग sin थीटा का फार्मूला लगा दें 2 sin थीटा / 2 इसको थीटा वो उसमें कन्वर्ट करना है इसको मिटा देते फिर उसका यूज है नहीं उसका यूज नहीं है बस यही सर अपने यूज करना है तो a 2 sin 2 sin थीटा / 2 2 cos थीटा / 2 cos थीटा / 2 इक्वल टू g g 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 लिखिए आप अपन सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सर इसको सीधे यूज कर लीजिए 2 2 sin स्क्वायर थीटा / 2 2 ठीक है तो सर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा sin थीटा / 2 sin से ये sin चला गया तो अपने पास बच गया a डिवाइड / g इज इक्वल टू tan थीटा / 2 2 तो ये अपने पास आ गया सर
ये बचेगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ए बाई ए बाई जी, इधर आ जाएगा थीटा बाई टू, इधर आएगा थीटा बाई टू। तो आपके पास थीटा जो आएगा सर वो आएगा टू टेन इनवर्स ए बाई जी जी। तो ये अपना थर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। वर्क डन बाय द फोर्स एफ आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे एंड द पाथ शोन इन द फिगर। अपन को बेसिकली सर वर्क डन फाइंड करना है, आपको पाथ गिवन है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपने लिया है बच्चों को ये समझाने के लिए कि वर्क डन यदि वेरिएबल फोर्स के कारण फाइंड करना पड़े तो किस टाइप से फाइंड करना है। हमेशा सर यहाँ पर पाथ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं सपोज पाथ फर्स्ट की बात करूँ, तो यदि मैं पाथ फर्स्ट की बात करता हूँ तो इसमें जो डी एस अपना जो आएगा वो आएगा सिंपल सा डी एक्स आई कैप। अच्छा मतलब ये एक्स डायरेक्शन में आपने लिया है। हाँ लिया है। तो मैं जो डी डब्ल्यू यहाँ पर यदि लिखूंगा तो करना पड़ेगा एफ डॉट डी एस। अब अपने पास सर फोर्स तो दे रखा है, ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर आई कैप डी एक्स। डॉट करेंगे तो आई टी के बच्चे तो सीधे हो जाएगा। तो वर्क डन के लिए अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट जो है वो है 0 टू a, तो ये आ गया a क्यूब बाई 3 आ गया। तो अपन को एक तो याद रखना है कि फर्स्ट वर्क डन का जो पाथ आ गया वर्क डन आ गया वो आ गया a क्यूब बाई 3 आ गया। अब अपन इसी टाइप से सेकंड का भी फाइंड करने वाले पे बात कर लेते हैं। हां तो सेकंड के लिए सर अपन क्या लेंगे ds, तो ds के लिए इसके लिए तुम्हारे पास ये बाई डायरेक्शन में जा रहा है। हां तो इसका मतलब अपन क्या बोला dy * j लेंगे, dy * j ले लेंगे, ठीक है। तो अपने पास जो dw आएगा वो आएगा y स्क्वायर dy और इसका इंटीग्रेशन आप करोगे। अच्छा यहाँ पर सर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि y जो है ना यहाँ पर ये y जो वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक कर रहा है सर, जीरो से a तक। तो अपन वर्क डन फाइंड करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे y स्क्वायर dy 0 टू a, इसका भी सर सॉल्व नंबर आ गया a क्यूब बाई 3। तो सेकंड बात जो है इसका भी आ गया a स्क्वायर बाई a क्यूब बाई 3 और a क्यूब बाई 3 हां a क्यूब बाई 3 a क्यूब बाई 3 आ गया, ठीक है ठीक है। इसी टाइप से अपन लिख लेंगे वही थर्ड पाथ है उसका भी जो डिस्प्लेसमेंट है तो dx डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो वर्क डन को अपन जो यहाँ पर लिखेंगे वो मैं सीधा लिख लेता हूँ x स्क्वायर इनटू dx dx। लिमिट यहाँ पर उल्टी है थोड़ी हो रही है सर, यहाँ अपन को a से जीरो पर आना पड़ रहा है, a से जीरो पर, a से जीरो पर, a से जीरो पर, a से जीरो पर। अच्छा सर इसमें अगर जैसे आपने अभी लिमिट उल्टी कर दी, अगर मैं ये मान लू ds इधर से डायरेक्शन में है और फोर्स एंगल जो बनना है वो यदि आप डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में मान लेते हो जैसे आप ये बोलो कि जैसे फोर्स जो है एक्स स्क्वायर आई है हमारे पास एक्स स्क्वायर आई है तो फोर्स को अपन ऐसे मान लिया, फोर्स को मान लिया हाँ। और फिर ऐसे मान लिया तो अपन डायरेक्टली माइनस लिख सकते हैं, तो माइनस सीधे आ जाएगा, तो लिमिट अपन लोग 0 से a रख रहे हैं। अपन हमेशा ये अवॉइड करना चाहिए, अपन को सिंपल सा जो दे रखा है कहां से कहां आ रहा है वो लिखना चाहिए, अपने आंसर आ जाता है वहां पर। ये इंटीग्रेशन की ब्यूटी होती है, वो अपने आप ही सब कैलकुलेट कर लेता है वो, ठीक है ठीक है। तो अपन इसको करेंगे अपन मतलब इसको सीधे हमें यहां जाने कर दिया, हां तो ये हो गया माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3 आ गया। तो ये वर्क डन बाई जो पार्ट 3 आया वो है माइनस a क्यूब बाई 3 आ गया, ठीक है सर। इसी टाइप से जो फोर्थ पार्ट है वहां भी अपने ऐसे लेंगे जैसे अपने उसके अंदर लिया था ये, तो ये जो जो 2 वाला है जिस हिसाब से इसके अपोजिट ही आएगा वो उसको अपोजिट आएगा सम टू सम, पर एक बार लिख लेते हैं। तो लिमिट वही बात सर a टू 0 a टू 0 y स्क्वायर बाई स्क्वायर dy, ये आएगा माइनस और ये पैराग्राफ सर हमने इसलिए लिया है समझाने के लिए कि फ्रेम पर डिपेंडेंसी कैसे चेक करनी होती है। अच्छा इसमें मतलब फ्रेम का यूज करना है, फ्रेम का यूज करना है। तो क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्ट्राइक एंड कंप्रेस अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k टिल मास कम टू द रेस्ट। ये बोला है कि v नॉट से मूव होना शुरू होता है और जब तक ये रेस्ट में नहीं आता है तब तक ये चलता रहता है, ठीक है सर। और इसमें बोला है दिस फेनोमेना इज ऑब्जर्वड बाय टू ऑब्जर्वर, तो दो ऑब्जर्वर जो a है वो है स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। यूजुअली अपन हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राउंड सरफेस से करते हैं,
ठीक है, तो इसको ए तो आप बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये अपने लोगों ने ए बना दिया। हाँ ठीक है, और बी है स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक, तो जो इसके ऊपर ही खड़ा है वो इसी पे खड़ा है। बी जो है इसके ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू एन ऑब्जर्वर ए, मतलब जो ग्राउंड के पर खड़ा उसके बारे में पूछा है। हाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज, तो आप सीधा सीधा वर्क डन बाय स्प्रिंग का हमको सर फार्मूला यूज करना है, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्योंकि इस पर एक स्प्रिंग काम कर रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, रुक रहा है, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा वी नॉट दे रखा है इसने, मैं इसको वी नॉट लिख लेता हूं। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया सेकंड, सेकंड आ गया हाफ वी नॉट स्क्वायर। ठीक है सर, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट, वो तो पूरा, तो ये तो वो का वही है। हाँ क्वेश्चन यहाँ चेंज आता है, टू एन ऑब्जर्वर ए, ए वही था जो ग्राउंड पर खड़ा, वापस अपन बात कर लेते हैं। यहाँ जो ग्राउंड पर खड़ा है वो ये ए खड़ा है, ए खड़ा है। अब ये इसमें बोला है टू एन ऑब्जर्वर ए द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन एंड बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉकेज। अच्छा ये सर ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, अब ये स्प्रिंग को काउंट नहीं करना चाह रहा है, जैसे आपको बताया कि ये जो फोर्स है वो तो स्प्रिंग लगा रहा है। हाँ, बट ये बोला है कि ये जो एन है वो इस पर कितना वर्क डन करेगा, तो जब अपने स्प्रिंग को हटाई दिया, सिर्फ अपन को इस सिस्टम को देखना है, तो इस पर सिस्टम पर एक ही फोर्स लग रहा है, एन लग रहा है, तो मैं वर्क डन बाय एन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, तो वो का भाई माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर, उसका ही वही आंसर है, आंसर वो आएगा। क्योंकि सर लास्ट वाले में बच्चे ही पूछ सकते हैं कि लास्ट वाले में एन कहां गया था, तो लास्ट वाले में एन सर ये आता है कि जो एन है जब इस ब्लॉक पर लगता है एन, उस समय स्प्रिंग पर भी एन लग रहा होता है, इक्वल एंड अपोजिट लगता है, तो उसका वो इंटरनल हो जाता है और इंटरनल का जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट जब इंडिविजुअली पूछा जाए तो फिर अपन को इस टाइप से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर सर वही आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला टू एन ऑब्जर्वर ए द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज। अच्छा वो अभी जस्ट मैंने सर एक्सप्लेन किया ना। हाँ हाँ, वही वही बताना चाह रहा है कि मैंने तो बोला ना कि वो जो एन होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनल होगा, तो इसलिए इस पर जो नेट वर्क डन कर रहा है बेसिकली वो तो कर रहा है ये स्प्रिंग ही कर रहा है जो के कर रहा है वो। ठीक है, तो जो वर्क डन स्प्रिंग आया था वो का भी इसका आंसर आएगा। और यदि अपन सिंपल से बोलना चाहे वर्क डन नेट फोर्स, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो आंसर तो फिर वही आ जाएगा। हां सर, सबको वही आंसर आ रहा है। अब वो बाय चांस है, अलग ला सकते थे, लेकिन इसमें बाय चांस सभी पर आ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m 1 kg रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए रफ ट्रैक, द ट्रैक इज सर्कम सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 40 मीटर, द ब्लॉक स्लाइड अलोंग द ट्रैक विदाउट टॉपलिंग एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन इन इट डायरेक्शन अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन अप टू पॉइंट क्यू एज शोन इन फिगर इज बिलो 150 जूल। तो ये बोलना चाह रहा है यहां से यहां का जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो हमें दे रखा है इसने, डायरेक्ट बता दिया सर, 150 बता दिया, 150 बता दिया। तो अब ये बोला है कि मतलब जो हमारा पहला पार्ट है ये बोला था स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस एट क्यू, तो WT लगा लेते सर, वही अपना लगा लेता हम लोग, तो वही वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी अपन को ये r दे रखा है, ये r दे रखा है और थीटा हमें बताइए, थीटा ये बताइए, तो h भी आई फाइंड करना ये वाला। हां ये आ जाएगा, सॉरी r, सॉरी ये r अपना वास्तविक अपन को सब दिन रहता है, ये r है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वर्क डन ग्रेविटी इज m g m g r r sin थीटा, sin 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा, दे रखा है। हां और ये जो फ्रिक्शन का वर्क है वो माइनस माइनस में आएगा हमारे पास, तो ये 150 आ जाएगा, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो था, इनिशियल जीरो है, तो अगर मैं फाइनल लिखूं तो ये लिखा जाएगा 1/2 m b स्क्वायर। ठीक है सर, जी सर, तो आप अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, m है 1, m 1 है, g 10 मान लेते हैं, r सर कितना दे रखा है, r 40 दे रखा है, r 40 दे रखा है, तो r हो गया 40 sin 30 होता है 1/2 आ गया, 1/2 माइनस 150 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 आ गया। ठीक है, इसको सर अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 200, ये 200 आ गया, माइनस माइनस का 150 इनटू 2 टाइम 2 टाइम और ये आ जाएगा 20 स्क्वायर, तो ये तो 100 आ जाएगा, 100 आ गया, और उसको 100 का लेंगे स्क्वायर रूट, तो भी आ गया सर 10 10 आ गया, अभी करो जरूर इसका आंसर आएगा, आंसर आएगा 10, सेकंड आंसर हो गया। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 10 को याद भी रखना है। हां नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन
नॉर्मल रिएक्शन इसने बात करी है एक्ट ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट क्यू, तो इसमें सर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की बात हो रही है। ओके तो इसमें सर अपन क्या है कि एक तो लगा लेते हैं भाई नॉर्मल, तो ऐसे लगेगा नॉर्मल ऐसे रहेगा, इधर लगेगा एम जी कोस 30 डिग्री, ये सॉरी सर साइन 30 डिग्री, ये हमारा ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ठीक है, तो इधर आ जाएगा एम जी साइन 30, साइन 30 डिग्री 30 डिग्री है ना। एक सर इसके अंदर वो अपन सर्कुलर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बट ये क्योंकि इसके साथ अपन को करना जरूरी था वर्क डन के साथ, तो इसलिए अपन ने यूज लिए। एक बेस जो सुडो फोर्स अपन लगा सकते हैं एमवी स्क्वायर आर, ठीक है। अच्छा एमवी स्क्वायर भाई यार आप बता रहे हो, तो वो ही फोर्स जारी बाहर भागने को, हां वो तो क्योंकि इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, तो वो आएगा इधर एमवी स्क्वायर भाई भाई आर, तो मतलब जो नेट नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास आ गई वो कितना हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी साइन थीटा, तो ये अपने मान लेते हैं कितना हो गया 100, आर हो गया 40, फिर यहाँ पे एम हो गया 1 और साइन थीटा रखेंगे 30, तो ये 5 हो गया, तो इसको काटेंगे कितना आ गया 2.5 आ जाएगा और ये 7.5 आना चाहिए न्यूटन। देखो ये सर ऑप्शन ऑप्शन ये पहला ऑप्शन है सर, जैसे पहला ऑप्शन 7.5 ठीक है, ठीक है आगे बढ़े। हाँ सर आगे बात करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग और वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत अच्छा यूज है, फ्रिक्शन का यूज है ठीक है। टू बार्स ऑफ मास m1 एंड m2 कनेक्टेड बाय द नॉन डिफॉर्म लाइट स्प्रिंग रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, the coefficient of friction between the bar and the surface is equal to mu, ये बोला है कि m1 और 2 m2 ब्लॉक है, दो ब्लॉक है m1 m2 और वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और coefficient friction भी सबके बीच में mu दे रखा है, mu दे रखा है। If p is the minimum constant force that has to be applied in the horizontal direction to the bar of mass m1, ये बोला है कि जो m2 है एक जो है ये m2 ये और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इसको मान लेते हम लोग m1 और ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, तो इसमें सर ये बता रखा जो पहले स्प्रिंग है ना वो नेचुरल लेंथ में नॉट नेचुरल लेंथ है, और आपको बोला है कि यहां पर कितना p फोर्स हम लगा रहे हैं, ये मैं एक बार इसको f अज्यूम कर लेता हूं बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं, f इज इक्वल टू क्या है p, ये बोला है कि कितना अप्लाई करें कि जिससे हमारे पास जो m2 है वो चलने लगे इसका मतलब ये है कि पहली बात ये आ गई कि यहाँ पर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को क्रॉस करना चाहिए उसको। अच्छा सर पहली बात एक अपन ने न्यूटन्स लॉ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्वेश्चन किया था कि पहले इसका फ्रिक्शन ओवरकम पूरा होगा उसके बाद ये स्प्रिंग फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा लगाना चालू करेगा ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ तो मैक्सिमम फोर्स लगना ही लगना है वो तो लगेगा लगेगा ही, तब जाकर ये नेक्स्ट के एक्स भी एक्सटेंशन स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन आएगा ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सब दोनों जगह जो फोर्स है वो तो लग रहा है म्यू उस पर इस पर तो लग रहा है इस पे तो लगेगा म्यू एम टू जी तो फिर अपन मतलब ही नहीं है, तो ये एफ जो है वो आएगा म्यू एम वन जी। अच्छा अब जब इसको अपन फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर वेलोसिटी आएगी, इस ब्लॉक के अंदर वेलोसिटी आएगी, अपन ये चाह रहे हैं जस्ट मूव होने लग जाए, इसका मतलब ये ब्लॉक पहले वेलोसिटी मैक्सिमम हो फिर लास्ट में जाकर वो क्या आ जाए रुक जाए रुक जाए, जब इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सटेंशन आए एक्स, तो जब सर इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन एक्स आएगा तो ये फिर स्प्रिंग भी इसको खींचने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग खींचेगा तो स्प्रिंग पर यहां फोर्स लगेगा के एक्स, ये के एक्स हो गया, तो ये तो तब मूव करेगा जब ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आया फोर्स आया ये इससे ज्यादा आ जाए तब ये मूव करने लगा, तो अपन जस्ट मूविंग कंडीशन लगा लेते हैं, यही पूछा है सर इसने, तो अच्छा वही पूछा है के एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए म्यू एम m2g ये आ गया ठीक है। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि मुझे ये x फाइंड करना पड़ेगा ठीक है, x फाइंड ऐसे कर सकते हैं देखो अपने पता चल गया कि यहां वेलोसिटी जीरो थी और यहां मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो आ रही इस पॉइंट पर भी, तो अपन यहां पर w यूज कर सकते हैं ठीक है, तो अपन कर लेते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय p या फोर्स स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फोर्स f should be equal to जीरो आएगा, तो work done by जो friction है वो तो आएगा minus minus mu m1 g m1 g into x ठीक है, work done by spring
माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और वो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो इसको आप लिख लो पी इनटू एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। अब अपन इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, वहां पर वहां से तो आ गया ये म्यू एम वन जी एक्स 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 को चल चल लिख लो, नहीं तो एक्स कैंसिल कर देते हैं हम लोग, के एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू पी एक्स, तो x x x तो क्या ये कट गया, तो अपने पास p जो आया वो आया म्यू म्यू m1 g प्लस kx, सर kx अपने यहां पर आया था ये kx is equal to म्यू m2 g, तो म्यू m2 g g डिवाइड बाय 2, ये आंसर आएगा ये, ठीक है सर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, म्यू g तो अपने लोग कॉमन ले ले, हां वो तो अपन m1 प्लस m2 by 2 बचेगा, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसको मिटाकर, तो म्यू टू एम टू का आ जा रहा था, एम टू का आ जा रहा था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बोला ए ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज हैंगिंग ओवर ए स्मूथ एंड लाइट पुली थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू 40 न्यूटन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज 40 जूल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक तो सर ये अपना मोर देन 1 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 2 मीटर, तो अपन चेक कर लेते हैं, ये है 2g 20 हो गया, 20 हो गया ये, तो इससे एक्सेलरेशन निकालने का, इसका सर एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इज 40 माइनस 20 डिवाइड बाय इसका मास कितना है सर 2, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड ऊपर ऊपर की ओर, हां ठीक है। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, तो ये हमारे पास 0 हो गया, इनिशियल 0 है, तो s इक्वल टू u2 प्लस हाफ u2 का लगा देंगे अपने, हां पर इसमें सर है ना, इसमें ये पूछा गया है कि गिवन इंटरवल, तो गिवन इंटरवल सर अपन को या एक और डेटा दे देगा वहां से फाइंड करना पड़ेगा, ये बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 40 जूल, तो इससे अपन लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ले तो अपन को टाइम इंटरवल मिल जाएगा, क्या एक्सेलरेशन टाइम आ गया, हां हां, तो अपन हाफ एम वी स्क्वायर लिख लेंगे अपन लोग, हाफ एम एम वी स्क्वायर इक्वल टू ये 40 है, 40 एम 2 केजी है, एम 2 केजी है, तो ये चला गया, ठीक है। तो अपने पास जो वी आया वो आया रूट ऑफ द रूट अंडर रूट 40 आ गया, 40 आ गया, ठीक है ठीक है। तो अब अपने लोग यहां से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम फाइंड कर सकते हैं, तो टाइम फाइंड करेंगे रूट 40 रूट इज इक्वल टू 10 इनटू टी, तो अपने पास ये टी आ गया रूट 40, अच्छा उसमें ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया 4/5, ये टी यहां पर लिख लेते हैं, एक बार जो टाइम इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है 2/5 आ गया, बेटा 5 इसको यहां पर मिटा लेते हैं, अब आप इस क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये बोला है डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है इसने, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो अब टी तो आई गया हमारे पास, हां ए कितना 10 टी का स्क्वायर, तो 2 बेटा 2/5, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको दिस 2 मीटर, अच्छा आंसर चेक कर लेते हैं एक बार सर, तो ये भी अपना ऑप्शन सही है, ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। नाउ अब ये बोला है थर्ड, बोला है द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ये तो सर इजी है, माइनस mgh, तो माइनस mg, तो ये तो इधर लगेगा कितना 20 तो लग ही रहा है, वर्क डन तो mg तो 20 है, mg तो 20 है ही, और जो फोर्स हमारे पास ये हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट अभी आपने निकाला, नहीं नहीं वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस माइनस mgh, तो माइनस m 210 और h आया अपना 2 मीटर, 2 मीटर, तो ये तो 40 आ रहा है, माइनस 40, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, तो एक बार देख लेते हैं, ये 20 दे रखा था, ये गलत हो गया। अब ये बोला वर्क डन बाय टेंशन इज 80 जूल, 80, तो ये तो सिंपल था, ये टेंशन जो लग रही है सर हमारे पास, ये तो 40 न्यूटन है ही, 40 लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट 2 न्यूटन है, तो 40 इनटू 2, तो वर्क डन बाय टेंशन लिख देंगे 40 इनटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 जूल आ गया, ये राइट हो गया, तो तीन ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द सर्टेन फील्ड हैज अ फॉर्म u इक्वल टू u दे रखा है, दैट इज a डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाय r,
where A and B is the positive constant, R is the distance from the center of the field, then सर दो क्वेश्चन तो जस्ट अभी अपन थोड़ी देर पहले किए, तो वही का वही है, इक्विलिब्रियम चेक करना है, वो बच्चे कर ही लेंगे, मतलब फोर्स निकाल दो तो जीरो पुट करना, हाँ जीरो पुट करना, और कौन सा इक्विलिब्रियम वो पता कर लेंगे, और थर्ड एंड फोर्थ सर अभी क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन देख दो, क्योंकि कभी कभी अपने मोर देन ऑप्शन आता है तो अपन को ऑप्शन को ढंग से देखना होता है। ऑप्शन में बोला है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और इसमें भी पूछा है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फोर्स, इसका मतलब ये है कि मुझे फोर्स को चेक नहीं करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम है, ऑलरेडी वो अपन को एक पॉइंट ही दे रखा है जहां पर मैक्सिमम होगा, बस तो पहले हम लोग इसको ऐप लिख लेंगे, तो ऐप लिख लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके पॉइंट निकाल लेंगे, हाँ और वही सीधे रख देंगे, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। तो अपन सर इसे क्या करते हैं, फोर्स फाइंड कर लेते हैं, तो F का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस डी यू बाई डी आर, इसको करते थे आगे माइनस टू ए आर क्यूब प्लस प्लस बी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एक माइनस और आर बाहर, ये इसका माइनस का यहाँ का, तो ये इसको मैं जीरो पुट कर देता हूँ, पुट कर लेते हैं, जीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आर मिल जाएगा, नहीं सर ये तो एफ आया, ये एफ आया, हाँ अब इसके बाद हमें करना है f को मैक्सिमम मिनिमम करना है, f आया 2a डिवाइड बाय r क्यूब माइनस b अपॉन r स्क्वायर। अब अपन को सर इस फोर्स को चेक करना है कि मैक्सिमम मिनिमम, हालांकि अपन को मैक्सिमम ही करना है, मिनिमम करना है भी नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर लेंगे, तो df / dr जीरो पुट करना, सीधा यहां लिख लेता हूं मैं, यहां क्या माइनस 6 a r की पावर 4 और ये आ जाएगा प्लस प्लस तो होगा 27a क्यूब और ऊपर आ जाएगा b क्यूब माइनस b r स्क्वायर, तो होगा 9a स्क्वायर, ये तो आ जाएगा 9a स्क्वायर और ऊपर b स्क्वायर दिए कर दे b क्यूब, ठीक है ठीक है। अपने पास सर ये आ गया, ये 2b क्यूब 27a स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर में 27 कन्वर्ट करना, अच्छा 27 एलसीएम लेके, ठीक है स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 27 ए स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू, आ गया फोर्स, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर है एक बार मैं एक साइड ले लेते हैं, माइनस अपने जो आया वो आया है 27 ए स्क्वायर, तो अपन देख लेते हैं बी क्यूब आएगा सर, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ये बोला द फॉलोइंग प्लॉट शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ ए सिस्टम वर्सेस पोजीशन एक्स From the graph we can interpret. तो ये तो U और X का ग्राफ है, U और X का ग्राफ है, तो ये सिंपल सा लोगों को पता है जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ पे अनस्टेबल होगा, तो ये तो है देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो सब दो ही है, पहली बात तो ये हो गया, हाँ ये पॉइंट B एंड C जो है वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो उनको D और A को तो टच ही नहीं करना है, D और A को तो सॉरी यहाँ पे स्लोप दे रखा है, ये स्लोप दे रखा है, मतलब D वाले पॉइंट को नहीं देखना है, ठीक है। खैर अब तीनों की बात कर लेते हैं सर, ये वाला पॉइंट है वो तो अनस्टेबल, ये तो अनस्टेबल है क्योंकि वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम है, तो ये तो हो गया अनस्टेबल, मतलब बी है दैट इज पॉइंट ऑफ अनस्टेबल पॉइंट, बी इज द पोजीशन ऑफ द, सी की बात कर लेते हैं, सी में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये स्टेबल हो गया, तो ये चेक कर लेते हैं स्टेबल, और ए जो है वहां यहां पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है नियरेस्ट पॉइंट के लिए, तो कांस्टेंट आ रही है नियरेस्ट कांस्टेंट आ रही है, तो जो ये न्यूट्रल आएगा हमारे पास, तो ये न्यूट्रल आ गया, तो ये आ गया फॉर दिस न्यूट्रल, ठीक है सर, तो ठीक है, तो हमारे पास कौन सा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये सही है, ठीक है, तो ये हो गया अपने 20 क्वेश्चन, इसमें ऑलमोस्ट अपने सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की थी, पोटेंशियल एनर्जी को कर्व के साथ भी डील किया है, पावर का भी क्वेश्चन यूज किए हैं, स्प्रिंग के भी क्वेश्चन यूज किए हैं, बेसिकली ये बात ये है कि इस चैप्टर से ये आपको समझ में आता है कि यदि आपको डब्ल्यूटी ढंग से आता है, पोटेंशियल एनर्जी यदि ढंग से आता है, तो इस
का अपन बहुत यूज ले सकते हैं नेक्स्ट आने वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट गुरुनीति के अंदर। थैंक यू।